हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सो लुक हु इज हियर विद मी टुडे. हे हे, नो इज हियर, से हाय. नो, से हाय. या लीज इज हियर टू. आई टोल्ड हर टू कम एंड देन हैव ब्रेकफास्ट विद अस, सो शी केम विद नोए. सो आई एम मेकिंग हलवा पूरी. तो हलवा नहीं बना रही, लेकिन मैं छोले बना रही हूँ, आलू बना रही हूँ और पूरी बना रही हूँ. अनस, या एंड ही इज गोना ईट टू. सो यहाँ पे मैंने अपनी तैयारियाँ करनी शुरू कर दी थी. लीज आई थी तो उससे पहले ही एक्चुअली. सो फिर यहाँ पे मैं छोले उबाल रही हूँ. और एक्चुअली आखिर भाई हुआ, हालांकि थोड़े गल गए थे, बट मुझे लगा कि नहीं करें, मैंने पानी डाल दिया. मुझे पानी सुखाना पड़ रहा था इस चूल्हा करके. और दूसरी जगह मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, जिसमें मैंने सबसे पहले तेल गरम करा. तेल गरम करने के बाद मैंने उसके अंदर डाली कलौंजी और सारे मसाले वगैरह ये वो डाल के. मैं बाद में बताऊँगी. मैं इसको किस कर रही थी, रोने लग गया. गाइस, यहाँ पे मेरे छोले ऑलमोस्ट डन है, बट थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया, बट इट्स ओके, मैं यूज़ कर लूँगी. और यहाँ पे मैंने आलू की भाजी में पानी ज़्यादा डल गया, बट इट्स ओके, वो सूख जाएगा. तो फिर मैंने चूल्हा लाइक तेज़ किया हुआ तो गल भी जाएंगे. फिर मैं आलू को मैश कर दूंगी मैशर से, तो मैं आपको दिखाती हूँ. हाँ जी. सो मैंने तेल गरम करके कलौंजी डाली थी, उसके अंदर फिर आलू डाले. आलू डाल के मैंने उसको भूना और फिर मैंने उसमें अपना कुटे हुए सारे धनिया मिर्चे, कुटी मिर्चे, धनिया, नमक, काली मिर्च, सब कुछ डाला. अरे मैं भूल गई यार. तो खैर, जो भी डाला उसके बाद हो गया. तो फिर मैंने निकाला और देखो कंटेनर को ओवरफ्लो हो गया था, और मैंने फिर भी डाल दिया. मुझे लगा आ जाएगा, बाद में खैर ये निकल गया और फिर मेरा पूरा जो है वो ख़राब हो गया, बट इट्स ओके. फिर मैंने उसी तेल उसी कंटेनर में छोले बनाने थे मुझे भगोने में, क्योंकि छोटा वही था. और फिर उसके अंदर मैंने तेल गरम करा, सारे मसाले वसाले डाले, उसको भूना पानी वानी डाल के. और ये मैं दिखा रही थी कि मैंने पूरियाँ बाज़ार की रेडीमेड यूज़ करी हैं दिस टाइम. यार बहुत मेहनत लगती है, आटा गूनो फिर पूरियाँ बनाओ, बच्चा रो रहा होता ये वो. तो इससे अच्छा है अभी सही है बनी बनाई लेकर आओ, बस उसको फ्राई करो. लेकिन इतने मज़े की बनी यार, आप लोग अभी देखना. तो घर मैंने थोड़ी सी निकाल के अलग अलग करके रख ली थी. जब तेल पूरा गर्म हो गया तो फिर मैंने तेल में इसको डालना शुरू करी और इसको मैंने बना के बस जल्दी जल्दी से यूँ करके निकाल लिया. बहुत मज़े की बनी थी यार. पहली दफ़ा मैंने ट्राई की थी और मैंने कहा था कि चलो अगर अच्छी नहीं बनेगी तो मैं खाने में यूज़ कर लूँगी. बट जितनी मैंने वैसे पहले खा ली थी थोड़ी सी, क्योंकि रोटी नहीं बनाने पड़े इसलिए. और अब मैंने ये जो जितनी भी बची थी तो मैंने ये मैंने सारी बना ली. और माशाल्लाह लीज़ को भी बहुत अच्छा लगा, उसने भी खाया. रेडीमेड पूरियाँ देखो कितनी अच्छी लग रही हैं. रेडी हैं, थोड़ी ऑयली हैं, बट इट्स ओके. एंड हियर इज द छोले, हियर इज द, सो या मुन्ना भी उठ गया है, दूध पी लिया है इन्होंने थोड़ा सा, और हम लोगों को भी नाश्ता वाश्ता करके बैठ गए हैं. नो इज ट्राइंग टू डूइंग समथिंग. नो, व्हाट यू डूइंग? What are you doing? No. Okay, Liz, how's the breakfast? Good. Really? Tasty breakfast. Yeah, good. Did you try the first time? Yes. Oh, you did? Yeah. Oh. I like the chickpeas. Yeah. Chole wali tarkari Liz ko bahut achhi lagi. Right? No? How is it? Do you like the food? And I move this thing table, or I don't know. सो ये देखकर नोए का मेरा मोबाइल ले लिया और कैमरा खोल के व्लॉगिंग करने की कोशिश. सो गया मेरा बेबी. लुक एट माई हालत क्या हो रही है यार. पता नहीं कुछ खाना बनाओ ना तो ये अभी तक जो ये तेल की मिर्चें आँखों में लग रही हैं उसकी वजह से मैं अंदर बैठी थी. पर तब कब तक अंदर बैठूँगी? बाहर आ गई. सो फिर अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने मुन्ने के लिए पानी गर्म किया. पानी गर्म करने के बाद उसको निकाल के रख दिया है. और यहाँ मैं बना रही हूँ अपनी बेबी के लिए सूजी थोड़ी सी, कि मैंने कहा चलो वो 4 महीने का होने वाला है, उसको कुछ ना कुछ तो ट्राई कराना पड़ेगा ना. तो ये मैं बना रही हूँ उसके लिए. लाइक एक से डेढ़ चमचा मैंने सूजी लेके थोड़ी सी उसको बनाया है और उसमें उसी का ये दूध डाला है. और मैंने उसको टेस्ट कराया
बट ही काइंड ऑफ लाइक इट बट ही डोंट वांट टू ईट इट, अभी छोटा है मेरे ख्याल से. सो खैर है, फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए वाटरमेलन काटा, ये कब से फ्रिज में रखा हुआ है, तो मैंने बोला इसको काटो और ट्रैश कैन जो है मैंने वो बाहर रख दिया क्योंकि उसके अंदर मक्खियाँ आ गई थी. तो फिर ये बैग बैग में रखा है, उसमें सारा कचरा डाल के फिर वो सारा फेंक दिया हमने. और वाटरमेलन काट के मैंने रख लिया. आज यार बहुत वो हो गई है, थोड़ी सी गर्मी थी यहाँ पे, तो फिर मैंने कहा. और फिर सब कुछ करने के बाद सफाई करना मस्त होता है ताकि आपका ये किचन साफ रहे. और उन्होंने इतनी मक्खियाँ क्यों आ रही हैं गाइस, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है. ऐसा हो रहा है कि जैसे बारिश होगी, काली काली गटा देख रही है. और यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, अब तो वो आ रहा है, पर वो देखो वहाँ का मौसम दिख रहा है आपको काला काला, ये सही है. और बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है यार, बाहर जाना से सोच रही थी कि बारिश भी होगी, इसलिए समझ नहीं आ रहा जाएँ रखे नहीं. देखो गाड़ी आ रही है. हाँ कौवा 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 मेरे बेटे को, कौवा मेरे पारे पारे बेटे को, हे गुड जॉब गुड जॉब. आई नो आपका डायपर चेंज होगा, मैं मुन्नी को भी उठाऊंगी. मेरे मुन्नी ने आज बहुत अच्छा अच्छा काम किया है ना भाई. मुन्नी ने आज बहुत अच्छा काम किया है. पहले तो खैर ये सोया नहीं, काफी देर से थोड़ा सा सोया, फिर उठ गया है ना, हंसो मत ज्यादा. तो उठने के बाद लेकिन ये खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, अपने आप से बातें कर रहा था. फिर मैंने कहा चलो इसको मैं झूले में डाल देती हूँ, झूले में लेट गया. और फिर इसने मुझे नहाने दिया सबसे पहले, तो मैंने शावर लिया, इसको यहीं बिठा के रोया नहीं बिल्कुल भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह. और इसने मुझे नमाज भी पढ़ने दे दी है, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है. तो अब मैंने कहा मैं इसके सामने बैठ के पढ़ूंगी, तो देख रहा था मुझे ऊपर गौर से अच्छा लग रहा था क्योंकि इसको भी नमाज पढ़नी है बड़े होके. है ना भाई, अल्लाह अल्लाह करोगे ना, अल्लाह अल्लाह करोगे, अल्लाह अल्लाह करोगे, हाँ अल्लाह अल्लाह करोगे. जब मैंने इसको सूजी ट्राई करी तो इसने माशाल्लाह फर्स्ट बाइट लिया हमने कर करके, फिर सेकंड बाइट में कर रहा था वो कई ले रहा था. लेकिन मैंने कहा चलो इसको ऐसे ही ना कुछ कुछ चीज़ें अब ट्राई करना शुरू करूँगी. माशाल्लाह मेरा बेबी इतना बोलो हो रहे, इतना 4 मंथ के हो गए हो, अब तो खाना खाओगे ना, हाँ खाना खाओगे मेरा बेबी. माशाल्लाह से 4 मंथ का हो जाएगा ये संडे को. और पहले मैं सोचती थी कि बड़ा ही नहीं हो रहा क्योंकि थोड़ा जल्दी पैदा हुआ था ना, मैं ये सोचती कि बड़ा ही नहीं हो रहा. अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है इतनी जल्दी जल्दी पैदा हो रहा है. हाँ चला अच्छा मैं निकालती हूँ अब इसको. सो हाय गाइस, मेरा मुन्ना सो गया है और उसको मैंने अभी वो दूध वूध पी के फाइनली सोया है और थोड़ी देर होगी अच्छी बात है सो जाए. तो बस फिर हम कब से ब्लैक यहाँ पे एंड करती हूँ और फिर मिलते हैं आप लोगों से अनदर व्लॉग में. तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, टेक केयर, एंड आई डोंट फॉरगेट लाइक, डू लाइक, शेयर, कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. बाय.